दिल्ली के नारायण इलाके में भीषण सड़क हादसा देखने को मिला है। स्कूल बस और क्लस्टर बस के बीच जबरदस्त टक्कर हुई है। स्कूल बस में सवार थे कई बच्चे। सुबह करीब 7 बजे की घटना बताई जा रही है। दमकल विभाग की 2 से 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं। सूत्रों के मुताबिक कई छात्रों के घायल होने की खबर है। दमकल विभाग की 2 से 3 गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। दिल्ली के नारायण इलाके में भीषण सड़क हादसा हुआ है। स्कूल और बस क्लस्टर में टक्कर हुई है। स्कूली बस में सवार थे कई बच्चे। सुबह 7 बजे करीब यह घटना बताई जा रही है। दमकल विभाग की 2 से 3 गाड़ियां मौके पर पहुंच गई हैं। सूत्रों के मुताबिक कई छात्रों के घायल होने की खबर भी है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, दमकल विभाग की 2 से 3 गाड़ियां मौके पर पहुंच गई हैं। बचाव राहत कार्य जारी है। करीब 7 बजे घटना बताई जा रही है। स्कूली बस में सवार थे कई बच्चे जिनको गंभीर चोटें भी आई हैं, ऐसा बताया जा रहा है। बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो दिल्ली के नारायण इलाके में भीषण सड़क हादसा हुआ है। स्कूल बस और क्लस्टर बस के बीच जबरदस्त टक्कर हुई है। सुबह 7 बजे करीब की घटना बताई जा रही है। दमकल विभाग की 2 से 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं। हादसे में 6 छात्रों के घायल होने की खबर सामने आई है। साहिल भांबरी हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। साहिल, क्या कितने बजे घटना हुई? 7 बजे बताई जा रही है। कितने बच्चे इसमें घायल हुए हैं और कहां इनका इलाज चलाया जा रहा है और गलती किसकी थी? जी देखिए आदित्य, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये 7 बजे के आसपास का वाक्य है। उस जो स्कूल की जो बस है, बताया जा रहा है राजेंद्र नगर में सलमान पब्लिक स्कूल है, वो स्कूल की बस उस और से गुजर रही थी, स्कूल की ओर जा रही थी, बच्चे सवार थे, लेकिन जो स्कूल बस थी वो यू टर्न ले रही थी, लेकिन आगे से क्लस्टर बस आ रही थी, क्लस्टर बस ने जोरदार टक्कर मारी, जिसके बाद जो स्कूल की जो बस थी जिसके अंदर बच्चे सवार थे, बताया जा रहा 27 बच्चे स्कूल बस में सवार थे, वो जो बस थी वो पलट गई, जिसके बाद बताया जा रहा कई बच्चों को चोटें आई, जिसमें बताया जा रहा कुल 6 बच्चों को चोटें लगी, जिसमें से जो 4 बच्चे थे उनको हल्की चोट लगी, जिनको छुट्टी दे दी गई है, बाकी जो 2 बच्चे उनको जल्दी छुट्टी दे दी जाएगी। वहीं पुलिस ने इस मामले में दोनों के बस चालकों को गिरफ्तार करके हिरासत में ले लिया और आगे की पूछताछ की जा रही है, क्योंकि बताया जा रहा जिस तरीके से जो बस थी 27 बच्चे लेकर जो स्कूल बस थी वो स्कूल की ओर जा रही थी, सुबह के वक्त यू टर्न ले रही थी, लेकिन क्लस्टर बस काफी तेज रफ्तार में थी, जिसके बाद सामने से उसे टक्कर मारी और जिसके बाद जो स्कूली बस थी वो पलट गई। और फिलहाल जो अभी की जो स्थिति है, लगभग 6 बच्चे घायल बताए जा रहे हैं, जिसमें से 4 को छुट्टी दे दी गई है और जो 2 बच्चे हैं उनकी भी हालत अभी स्थिर बताई जा रही है। जी बिल्कुल, और साफ तौर पर तस्वीरें बयां कर रही है साहिल, ने कितना भीषण ये हादसा था और बच्चों की हालत अभी कैसी है जो बच्चे घायल हुए हैं? अच्छी देखिए बताया जा रहा है ये जो हादसा है ये 7 बजे के आसपास हुआ, काफी भीषण हादसा है, 2 बसों में आपस में टक्कर हुई है और इन कुछ बच्चों 6 बच्चों को जो नारायणा का कपूर हॉस्पिटल वहां पे भर्ती कराया गया था, लेकिन 4 बच्चों को छुट्टी दे दी गई है। ज्यादा चोटें नहीं आई, मामूली चोटें आई है बच्चे को, क्योंकि बताया जा रहा है जो स्कूली बस थी उसकी स्पीड कम थी, लेकिन जो सामने वाली जो बस थी क्लस्टर बस बताई जा रही है ऑरेंज कलर की, उस बस ने जोरदार टक्कर मारी, लेकिन जो बच्चे थे उनको कम चोटें आई है, इसकी वजह से जो हादसा है वो टल गया है। चलिए, तमाम जानकारी लिए शुक्रिया साहिल आपका। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से यह हादसा हुआ है। कपूर मेडिकल सेंटर में सबको भर्ती कराया गया है, 6 बच्चों को। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से यह हादसा हुआ और बस पलट गई है। क्लस्टर बस और स्कूल बस के बीच में टक्कर हुई है। 6 बच्चे घायल थे, 4 बच्चों को फिलहाल छुट्टी दी गई, जिनको ज्यादा चोटें नहीं आई थी, मामूली चोटें आई थी, लेकिन 2 बच्चे अभी भी अस्पताल में एडमिट है जिनको गंभीर चोटें आई हैं।